हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसको समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे वाटर के एग्जांपल के साथ। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ग्राफ से इसको समझेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, अलग अलग लाइन से सब्लिमेशन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन, ये सब क्या बातें हैं, इनको कैसे समझेंगे, कैसे ये काम आती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे पूरे का पूरा ट्रिपल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जो कि है ट्रिपल पॉइंट। तो होता क्या है, देखिए होता क्या है कि ऐसी सी डायग्राम दिख रखी है आपको एक बुक के अंदर। तो हम एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको वाटर का। मैं अभी वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फेस में वो आइस होता है, सॉलिड फेस में आइस है, लिक्विड फेस में वो क्या होगा, वाटर ही होगा, और गैसियस फेस में उसको हम स्टीम बोल लेते हैं, गैसियस फेस में हम उसको स्टीम बोल लेते हैं। तो ये तीनों फेजेस को जब फेस चेंज होता है, हमने क्या किया, इसको प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया इसका, समझो। तो क्या होगा, तो पहले देखो ये वेपराइजेशन, ये जो लाइन रही, ये वाली लाइन, ये वेपराइजेशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, वेपराइजेशन लाइन। वेपराइजेशन लाइन में क्या होगा, वेपराइजेशन लाइन के इस साइड में वाटर, इस साइड में स्टीम, यानी वेपराइजेशन लाइन लिक्विड और गैसियस फेस को अलग करती है। देखो हर सबस्टांस की जो सॉलिड लिक्विड और गैसियस हो सकता है, उसकी तीन लाइंस बनती हैं ग्राफ अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का बनाए। अभी तीनों लाइन है क्या, कैसे बनती हैं, तो हमने क्या किया, जैसे वेपराइजेशन की बात करते हैं, तो हमने लिक्विड के लिए एक ऐसे प्रेशर और ऐसे टेम्परेचर निकाले कंटिन्यूसली, एक ऐसा प्रेशर और एक कंटिन्यूसली ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर, और उससे एक लाइन बना दी, उससे एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ से हमें पता चला कि अगर आपका वाटर इस लाइन से ऊपर होगा, मतलब इस लाइन से ज़्यादा प्रेशर, देखो ये एक वैल्यू है प्रेशर की इस टेम्परेचर पे, ये एक वैल्यू है प्रेशर की इस टेम्पर, अगर मैं प्रेशर इस P1 प्रेशर से ज़्यादा कर दूं, अगर मेरा नया प्रेशर P1 प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो वो जो सब्सटेंस है मेरा, जो कि आइस, वो अभी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर मेरा प्रेशर इससे कम हो जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, इसी टेम्परेचर पे, मान लो ये कुछ भी है x डिग्री पे प्रेशर ले लिया मैंने, ये मान लो y से प्रेशर बढ़ा दूँ, x डिग्री पे ही एक टेम्परेचर है y, x डिग्री पे ही मैंने प्रेशर कर दिया y1, यानी कि यहाँ कर दिया, तो वो जो आपका सब्सटेंस है वो लिक्विड फेस में होगा। अगर x डिग्री पे ही आपने प्रेशर कम कर दिया, मान लो यहां कर दिया y2, तो वो सब्सटेंस आपका कहां होगा गैसियस फेस में, स्टीम में बनेगा। तो ऐसे पॉइंट्स उठाए गए प्रेशर और टेम्परेचर के, जहां पर लिक्विड और स्टीम फेस इक्विलिब्रियम में रहे, ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है। इससे ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपको लिक्विड मिलेगा, इससे प्रेशर कम कर दोगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। ऐसे लिक्विड और गैस का जो लाइन है, जो डिस्टिंग्विश करती है, इसको बोला गया वेपराइजेशन लाइन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, जब हम वाटर के लिए ये कर्व बनाते हैं, तो वेपराइजेशन लाइन को, जब हम वाटर के लिए कर्व बनाते हैं, तो वेपराइजेशन लाइन को हम बोलते हैं स्टीम लाइन। देखो किसी के लिए भी ये रहेगी तो वेपराइजेशन लाइन, वाटर में इसको स्पेशली स्टीम लाइन बोल दिया, क्योंकि वाटर यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही सब्लिमेशन स्टेट में ऐसे ही प्रेशर और टेम्परेचर निकाले, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपको सॉलिड मिलेगा, सब्लिमेशन लाइन से नीचे आओगे तो गैस मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप प्रेशर कम कर दोगे, हमने पढ़ा भी है, तो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड चला जाता है। याद होगा आपको सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड जाना, बट आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर यहां से यहां कर दिया, तो वो सीधा इस प्रेशर पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आपको सॉलिड से लिक्विड यानी कि गैस मिल जाती है, सब्लिमेशन यही तो होता था। ऐसा ही था फ्यूजन लाइन, मतलब इस प्रेशर और टेम्परेचर पे इससे उधर लिक्विड, इससे उधर सॉलिड। तो तीन फेजेस का स्टेट की चेंज की बात हुई, सॉलिड से लिक्विड कैसे बना, लिक्विड से गैस और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो हमने तीन कर्व बना दिए। अब जब ये तीन कर्व्स
एक जगह पर मीट करेंगे, हम इसको आगे एक्सटेंड कराएंगे, तो हमें मिलेगा कि ये एक जगह पर टी पॉइंट पर मीट करते हैं। सही है, ये टी पॉइंट है जो जहां पर तीन कर्व्स मीट किए, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। मतलब बुक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड फेस, लिक्विड फेस और गैसियस फेस इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इस टेम्परेचर पर, देखो ये ट्रिपल पॉइंट आया, इसका जो ये टेम्परेचर आया, ये वाला टेम्परेचर और ये प्रेशर, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर आपको वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में इकट्ठा मिलेगा। अगर आप ऐसा प्रेशर, देखो ये वाला प्रेशर ले आते हो, ये वाला टेम्परेचर ले आते हो, तो आपको वाटर की सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस इकट्ठी देखने को मिलेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में मिलने वाली है। ऐसा हर एक चीज के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है। जैसे हम वाटर को एग्जैक्टली समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग ट्रिपल पॉइंट है, किसी एसीटोन का उठा लो आप मीथेनॉल का, सबका ऐसे ही, इथेनॉल का, किसी भी लिक्विड का या किसी भी ऐसी सब्सटेंस का जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उनका एक ट्रिपल पॉइंट निकल कर आएगा। कब आएगा? जब आप उन तीनों की फ्यूजन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन और सब्लिमेशन लाइन को एक्सटेंड कराकर एक जगह मीट करवाओगे, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, वो नोट कर लो कितना होता है। जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है, नोट करिए, लिख लो, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, अगर मैं 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इतना प्रेशर लूं, ये क्या है प्रेशर, इसकी वैल्यू ये प्रेशर की ये, और टेम्परेचर अगर मैं लूं 273.16 केल्विन, ये रहा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे, या मैं इसको लिखता हूँ 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये इतने प्रेशर या इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। यानी वाटर अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस पे हो, अगर उसका प्रेशर इतना हो, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करने वाला है। नहीं मान रहे क्या इस बात को? तो आप देखोगे कि एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, है ना, मैं ट्राई भी करूंगा कि वीडियो भी डाल दूं जिसमें आपको समझ में आए कि तीनों फेसेस में इकट्ठा मिले, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है जी। अच्छा, वाटर के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वेपोराइजेशन लाइन को स्टीम लाइन बोलते हैं, सब्लिमेशन लाइन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर फ्रॉस्ट लाइन, ये भी याद रखना, वाटर के केस में सिर्फ हॉर फ्रॉस्ट लाइन। और यहां पर क्या बना? आइस से बना वाटर, तो ये होती है आइस लाइन, ये होती है आइस लाइन। फ्यूजन लाइन को वाटर के केस में आइस लाइन बोलते हैं, वेपोराइजेशन लाइन को स्टीम लाइन बोलते हैं, और ये सब्लिमेशन लाइन को हॉर फ्रॉस्ट लाइन बोलते हैं। इसको याद रखना, वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर ट्रिपल पॉइंट आता है वो है ये, इसको नोट करके रखें तभी आपको समझ में आएगा। दोबारा बता देता हूँ, ट्रिपल पॉइंट ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहाँ पर तीनों फेजेस, सब्लिमेशन लाइन, आपकी वेपोराइजेशन लाइन और आपकी ये सॉलिड वाली लाइन, फ्यूजन लाइन, एक जगह पर मीट करे, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ दैट सबस्टांस। ये सबका अलग अलग हो सकता है। सही है, समझ में आया? तो इसको पढ़िए अच्छे तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड के बुक में दे रखा है उसको भी समझिए, उसको भी याद करके रखें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।